गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चैप्टर शुरू होने वाला है। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के चैप्टर पर जो मेन चीज है वो मैं यहां आपको समझा रहा हूं और फिर हम इसे रूल वाइज समझते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये हमारा टॉपिक है आज का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले ये समझ लें कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। तो नाम से देख लें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी यह एक कंपाउंड नाउन की तरह ये शब्द यूज किए गए हैं। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट, यानी ऐसा एग्रीमेंट जो एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। प्रश्न, ये एग्रीमेंट किस प्रकार से होता है? तो यहां आपको ये समझाने की कोशिश की जाती है इसके अंतर्गत कि अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट, अगर आपके वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आपकी वर्ब भी क्या हो जाती है, सिंगुलर हो जाती है। और अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वाक्य की वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यू नो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंटैक्स, मीन्स टू सेट द वर्ड्स इन प्रॉपर ऑर्डर, यानी शब्दों को उनके सही क्रम में रखना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स कहलाता है। ठीक है, ये आपके ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसपे आपको पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे हो रहा है। देखें, सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल समझें। आज जैसे किसी ने आपसे कहा रमेश गो, क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत सही ऑर्डर है, नहीं सही ऑर्डर है? आपको ये देखना होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों, वो सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है, तो फिर आपकी जो वर्ब होगी वो भी सिंगुलर होती है। ध्यान रखिएगा, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल मानी जाती है। तो आपको रमेश के अनुसार इसे क्या बनाना होगा, गोस बनाना होगा। यानी इस गोस ने अब अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार क्या कर लिया, ढाल लिया। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर खरे उतरते हैं, मीन्स कहीं कहीं का कंकार हो चुका है। एक और वाक्य देखें, बॉयज लाफ्स। ठीक है, ये सेंटेंस क्या आपसे कह रहा है, ये कह रहा है कि बॉयज लाफ्स। बॉयज क्या है बच्चों, प्लूरल है। अगर बॉयज प्लूरल है तो लाफ्स कैसे हो सकता है? यानी मैंने कहा अगर प्लूरल है तो बिना एस के ही वर्ब आपकी प्लूरल होगी, तो अब अगर आपने एस हटा दिया अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ठीक है, एक और वाक्य देखते हैं, देखें जैसे कोई कहे इफ आई वॉज अ किंग। ये वाक्य है आपका। अभी वाक्य इफ आई वॉज अ किंग देखने से सही लग रहा है, लेकिन आपको जानना होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किन आधारों पर होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। किन आधारों पे होते हैं ये तो आप समझ चुके। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। ये पहला जो मुख्य चीज आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे लागू होता है वो ये चीज है। लेकिन ये वाक्य देखें, इफ आई वॉज अ किंग, ये वाक्य गलत है बच्चों। क्यों गलत है? क्योंकि यहां एक सपोजिशन है, यानी ये अनरियल कंडीशन है, वास्तविक स्थिति नहीं है। तो फिर आपको यहां वास के स्थान पर क्या लेना होगा, वर। इफ आई वर अ किंग, लेकिन क्या ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत सही है? आई के साथ तो वाज लेते हैं, लेकिन यहां क्या लिया हमने, वर लिया। सही है, बिल्कुल सही बच्चों, क्योंकि आपको जानना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दो आधारों पे होता है, एक आधार जो फॉर्म का आधार होता है और एक आधार जो मीनिंग का आधार होता है। जो आप मेरी पीडीएफ देखिएगा उसमें सारी चीजें मैंने दी हुई है, वहां से भी आप देखिएगा। यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दो आधारों पे है बच्चों। पहला
फॉर्म के आधार पर। प्रश्न है फॉर्म के आधार पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, तो बच्चों जाने फॉर्म के आधार पर सब्जेक्ट एग्रीमेंट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहने का मतलब होता है कि जिस फॉर्म में अर्थात जिस रूप में आपका सब्जेक्ट है उसी रूप में आपकी वर्ब भी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा मेनो, तो मेन क्या है, प्लूरल है ना, तो मेन के साथ वर्ब भी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। आपने देखा गर्ल्स कम, तो गर्ल्स क्या है, इसका फॉर्म क्या है, प्लूरल है ना, तो कम भी क्या हो गया, प्लूरल है, सही है। और आपने देखा द बॉय गोज, द बॉय क्या है, सिंगुलर है ना, तो वर्ब भी आपने सिंगुलर ले लिया, आपने ले लिया शी कम्स। आपने देखा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने वर्ब भी क्या ले लिया, सिंगुलर ले लिया। यानी फॉर्म, यानी अगर आपका सब्जेक्ट का फॉर्म सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रखें, और अगर आपके सब्जेक्ट का फॉर्म प्लूरल है तो वर्ब को भी क्या रखें, प्लूरल रखें। अर्थात फॉर्म के आधार पे हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वो उसकी मीनिंग के आधार पे होता है, वो भी देख लें आप कैसे। देखिए जैसे आपने कहा द कमिटी इज डिवाइडेड, चलिए इतना ही लेते हैं, वैसे पूरा वाक्य हो सकता है द कमिटी इज डिवाइडेड ओवर दिस इशू, ठीक है। तो अब यहां मैंने लिखा द कमिटी इज डिवाइडेड, देख करके सही लग रहा है बच्चों कि यह कमिटी जो है सिंगुलर है, इसमें कोई एस सी एस नहीं जुड़ा है, और यहां पे भी हमने सिंगुलर ले लिया द कमिटी इज। लेकिन क्या ये वास्तव में वाक्य सही है, क्या वास्तव में यहां पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है बच्चों, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इस कमिटी का जो मीनिंग है, जो अर्थ है इसका, वो सिंगुलर नहीं है, वो प्लूरल है। आप कहेंगे कैसे, तो आपने नाउन के रूल में पढ़ा होगा कि जब कमिटी डिवीजन दिखाती, क्या दिखाती है, डिवीजन दिखाता। अभी ये सारे रूल्स धीरे धीरे हम जानेंगे बच्चों इसी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। तो जब कमिटी डिवीजन दिखाती है तो वो अर्थ में प्लूरल हो जाती, तो जब ये मीनिंग में अर्थ में प्लूरल हो गई तो आप बच्चों सोचें कि आप इज कैसे लगा सकते हैं, गलत है। यहां क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यानी मीनिंग क्या था, इस कमिटी का डिवीजन की वजह से जो मीनिंग है वो प्लूरल का अर्थ दे रहा है, जब प्लूरल का अर्थ दे रहा है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। एक वाक्य और देखें, ये वाक्य देखें, दिस इनिंग्स आर ओवर, दिस इनिंग्स आर ओवर, देख करके ऐसा लग रहा है बच्चों कि वाक्य सही है, लेकिन अगर आप मीनिंग के आधार पे देखेंगे तो इनिंग्स के पहले मैंने क्या लगाया है बच्चों, दिस। तो जब मैंने इनिंग्स के पहले दिस लगा दिया, इसका मतलब इसका जो अर्थ है वो सिंगुलर दे रहा है, और जब इसका अर्थ सिंगुलर ले रहा है, भले ही इसका एस लगा हुआ है, इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, वो सिंगुलर निकल रहा है, इसलिए यहां पे आर नहीं होगा बच्चों, क्या हो जाएगा ये, सॉरी ये क्या हो जाएगा, यहां पे इज हो जाएगा। इससे ये पता चलता है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है वो दो आधारों पे होता है, एक फॉर्म के आधार पर और एक मीनिंग के आधार पर। फिर से समझ लें, फॉर्म के आधार पर कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिखता है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करें, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल दिखता है तो वर्ब भी प्लूरल यूज करें। लेकिन मीनिंग के आधार पे कहने का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट हो सकता है कि सिंगुलर दिखता हो, लेकिन उस वाक्य में उसका जो अर्थ है वो प्लूरल का हो सकता है, तो वर्ब भी प्लूरल लेनी होगी, और हो सकता है सब्जेक्ट आपका प्लूरल दिखता हो लेकिन वो अगर अर्थ में सिंगुलर है तो फिर उसकी वर्ब क्या लेनी होगी, सिंगुलर लेनी होगी। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होता है क्या होता है, हमने ये समझ लिया कि जब एक सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के अकॉर्डेंस में काम करती हैं तो फिर वो क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स कहलाता है। और दूसरी चीज हमने जानी कि एक सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है बच्चों वो कितने आधारों पे होता है, दो आधारों पे, फॉर्म के आधार पर
और मीनिंग के आधार पे। ठीक है, अब चलते हैं, अब एक एक रूल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का देखते हैं और फिर उसके सारे एग्जांपल्स देखते हैं, और जब हम ये टॉपिक पढ़ ले पूरा कॉन्सेप्ट के रूप में, तो फिर इस पर हम अच्छे से एक्सरसाइज करें वो सारी एक्सरसाइज जो हमारे एग्जाम्स में हमको दी गई। ठीक है, चलिए एक एक रूल अब देखते हैं। चलिए बच्चों, ये आपके सामने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप देख रहे होंगे, जिसे हम सिंटैक्स के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि हमने ये जान लिया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, फिर भी अगर आपको लगता हो कि आप चीज़ों को आपने और समझना है, तो आप यहाँ देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है, आपको यहाँ से भी देख सकते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। यह मैंने आपको बताया है पहले पॉइंट में आपको कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो उसकी वर्ब भी क्या रहेगी, सिंगुलर। जैसे राम है तो आपने इज ले लिया, रहीम है तो आपने वाज ले लिया, सोनम है तो आपने हैज ले लिया, और संकेत है तो आपने डज नॉट ले लिया। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो आपकी वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट जो है अगर वो प्लूरल हो जाता है, देखिए है ना, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी क्या हो गई, आपकी प्लूरल हो गई। जैसे राम एंड रहीम दो अलग अलग लोग हो गए तो हमने डू नॉट ले लिया, सोनम और संकेत दो लोग हो गए तो हमने आर ले लिया, अंजलि और गीतांजलि दो लोग हो गए तो हमने हैव ले लिया, और दे ऑलरेडी प्लूरल होता आप जानते हैं तो यहाँ हमने वर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ मैंने फिर से आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, एक ही एक एग्रीमेंट जो है सब्जेक्ट वर्ब के बीच में वो कितने प्रकार का होता है। तो मैंने अभी आपको समझाया पीछे कि दो प्रकार से हम इसको यूज करते हैं, एक फॉर्म के आधार पर और एक मीनिंग के आधार पे। फॉर्म के आधार पर कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट जैसा दिख रहा है वैसी वर्ब लें। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब लें, अगर सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा है तो हम प्लूरल वर्ब लें। जैसे यहां मैंने एग्जांपल्स आपको दिए, देखें यहां हमने दिया मेनी बॉयज, ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये प्लूरल दिख रहा है तो हमने प्लूरल वर्ब ले लिया। मोस्ट स्टूडेंट्स, ये प्लूरल दिख रहा है तो हमने क्या ले लिया, प्लूरल ले लिया। यानी सब्जेक्ट जैसा दिख रहा हो वैसी हमने क्या ले ली, वर्ब ले ली। लेकिन मीनिंग के आधार पे क्या कहने का मतलब होता है कि हो सकता है सब्जेक्ट सिंगुलर दिख रहा हो लेकिन उसका हो सकता है वर्ब प्लूरल हो सकता है सब्जेक्ट प्लूरल दिख रहा हो लेकिन उसकी वर्ब क्या हो, सिंगुलर हो। ये मीनिंग के आधार पे है। जैसे ये कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने दिया हूं, देख ले, यहां पे है द कमिटी, है ना, पीछे मैंने बताया, यहां डिवाइडेड है तो बच्चों हमने क्या ले लिया, आर, क्योंकि अलग अलग है। तो जब एक कलेक्टिव नाउन अलग अलग लोगों को चिन्हित करता है तो फिर वो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हो जाता है और उसकी वर्ब प्लूरल हो जाती है। ये सब चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे बच्चों। लेकिन यहां देखिए दिस इनिंग्स, इसका फॉर्म जो है दिख रहा है जैसे प्लूरल है ना, बनावट के रूप में, लेकिन इसका अर्थ यहां पे क्या है, एक पारी की बात है, इस पारी की बात है, इसलिए हमने यहां हैज बीन यूज किया। यहां पे द टीम है, देखने में क्या लग रहा है बच्चों आपको, सिंगुलर, लेकिन वर्ब हमने क्या ले लिया, प्लूरल। क्यों, क्योंकि हम टीम का जो अर्थ ले रहे हैं वो उसके अलग अलग खिलाड़ियों से ले रहे हैं तो फिर इसलिए हमने प्लूरल ले लिया। यहां द हेडक्वार्टर्स, देखने में क्या लग रहा है, हेडक्वार्टर्स, तो ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है लेकिन इसका अर्थ क्या है, हम एक हेडक्वार्टर्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमने क्या ले लिया, इस ले लिया। यानी दो आधारों पर हमने सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट किया। अब हम सीधे बिना समय गंवाए बच्चों जो हमारा मेन टारगेट है वो आते हैं कि हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स हमारे लिए जरूरी हैं। तो मैंने पहले से ही सीधा, कहते हैं ना वो एम एट हो जाना, मीन्स अपना टारगेट चूज कर लेना कि बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है। तो मेरा जो पहला रूल ही है वो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। ये रूल आपसे क्या कहता है बच्चों, देखें ध्यान से देखिएगा, कभी भी बच्चों अगर बिसाइड्स का प्रयोग है, विद का प्रयोग है, एलॉन्ग विद का, देखिए इस शीट की खासियत बच्चों क्या रहेगी, जिसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, इस शीट की खासियत रहेगी लगभग सब चीजों को मैंने इसमें कवर किया है, आपको बहुत ज्यादा कंपटीशन लेवल पे अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको 95-99% चीजें यहां पर आपको मिल जाएंगे। कहीं भी अगर टुगेदर विद का प्रयोग है, बट का प्रयोग है, एंड नॉट का प्रयोग है, एज वेल एज मीन्स के साथ साथ का प्रयोग है, इन कंपैरिजन टू की तुलना में का प्रयोग है, लाइक की तरह का प्रयोग है, रेदर देन किसी चीज की अपेक्षा का प्रयोग है,
लेड बाय अर्थात नेतृत्व किया गया, गवर्न्ड बाय नियंत्रित किया गया, कंट्रोल्ड बाय नियंत्रित किया गया, इन एडिशन टू के अतिरिक्त के अलावा, कॉल्ड बाय बुलाया गया जिसके द्वारा, अकंपनीड बाय जिसके साथ जाया गया। अगर ये जो शब्द हैं सारे आपके प्रीपोजिशंस और कंजंक्शंस, अगर इनसे आपने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, ध्यान से सुनिए, अगर इन कंजंक्शंस या प्रीपोजिशंस से आपने दो अलग अलग सब्जेक्ट्स को जोड़ा है तो कभी भी बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार न चलें। हमेशा क्या करें, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, पहला बच्चों, उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको क्या लेनी होगी, अपनी वर्ब लेनी होगी। ठीक है, फिर से देख लें, सारे शब्द देख लें, बिसाइड्स, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बट एंड नॉट, एज वेल एज, इन कंपैरिजन टू, लाइक, रेदर देन, लेड बाय, ये मैं आपके कानों में घोल रहा हूं बच्चों को, याद कर लें आप, गवर्न बाय, कंट्रोल्ड बाय, इन एडिशन टू, कॉल्ड बाय, अकंपनीड बाय, अगर ये वर्ड्स हैं तो हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट को क्या देनी है आपको, प्रीफरेंस देनी, उसी के अनुसार वर्ब और इवन प्रोनाउन आपको लेना है। कैसे देखे, मैंने तमाम एग्जांपल्स दिए बच्चों आपको, सारे करीब करीब एग्जांपल्स जो होते हैं इन पर बने हैं, वो सब देखें। यहां बच्चों एज वेल एज है ना, तो जैसे एज वेल एज को आपने दो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ देखा, आपको द बॉय के अनुसार चलना होगा और क्या लिया आपने, हैज लिया। यहां आपने विद देखा, जैसे विद के साथ आपने हिज सन्स और द मैन को देखा, तो हिज सन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैन के अनुसार आपने क्या लिया, इज लिया। यहां आपने बिसाइड्स देखा बच्चों, जैसे ही आपने बिसाइड्स देखा तो आपको द स्टूडेंट्स के अनुसार चलना है और क्या लिया आपने, आर। यहां आपने क्या लिया, रेदर देन लिया आपने, रेदर देन जैसे ही आपने देखा तो अब योर फ्रेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यू के अनुसार आपको क्या लेना होगा, आर। जैसे आपने एंड नॉट देखा तो यू से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई के अनुसार आपने क्या लिया, एम। इसके हिंदी समझ रहे बच्चों ने, आई एंड नॉट यू एम गिल्टी, यानी तुम नहीं मैं गिल्टी हूं, जिम्मेदार हूं, मैं दोषी हूं। जैसे आपने लाइक देखा कि तरह के रूप में, वैसे आपने हिज ब्रदर्स को छोड़ा और द सन के अनुसार क्या ले लिया बच्चों, इज ले लिया आपने। जैसे ही आपने टुगेदर विद देखा तो टुगेदर विद के अनुसार हर फ्रेंड से कोई मतलब नहीं, शी के अनुसार आपने क्या ले लिया, हैज ले लिया आपने। ठीक है, मैं सारी एग्जांपल्स बोल रहा हूं बच्चों ताकि आपके कानों में जाते हुए ये धीरे धीरे आपके दिल में दिमाग में उतर जाए। ठीक है, किसी और चीज को और लोगों को उतारने की अपेक्षा इन शब्दों को दिमाग में उतारें, क्योंकि इन्हें दिमाग में उतारेंगे तो आगे जो अभी जल्दी तुरंत नहीं मिलने वाली, आगे आप जॉब के लिए बेहतर कर सकेंगे। चलिए और देख लें बच्चों, आप जैसे आपने टुगेदर विद देखा तो हैज ले लिया, नथिंग के साथ क्या लिया आपने, बट, तो नथिंग के अनुसार आपने क्या ले लिया, इज ले लिया आपने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका एग्जांपल। जैसे आपने इन कंपैरिजन टू देखा तो द ओल्ड मैन के अनुसार आपने क्या ले लिया बच्चों, क्या ले लिया, इज ले लिया। जैसे आपने कॉल्ड बाई देखा, जैसे ही लेड बाई देखा, जैसे ही अकंपनीड बाई देखा, तुरंत आपने पहले वाले के अनुसार ले लिया। अगर आप इसके हिंदी नहीं समझ पा रहे मैं बोल रहा हूं, देखिए ऐसे पढ़े बच्चों आप, द मीटिंग कॉल्ड बाई द मेंबर्स वाज योर, बाद वाले को पहले नहीं, यानी मेंबर्स के द्वारा बुलाई गई जो मीटिंग थी वो मीटिंग वाज यूजलेस, क्या थी, बिल्कुल रद्दी थी, बेकार थी। ये भी देख लें, द मीटिंग्स लेड बाय द प्रेसिडेंट वर यूजफुल, यानी राष्ट्रपति के द्वारा लेड बाय, यानी नेतृत्व की गई, राष्ट्रपति की अध्यक्षता में की गई जो मीटिंग्स थी वो मीटिंग्स क्या थी बच्चों, वर यूजफुल, यानी उपयोगी थी। अकंपनीड बाय देख लें, द फादर अकंपनीड बाय हिज सन्स, यानी अपने बच्चों के द्वारा अकंपनी, यानी बच्चों के साथ साथ चलते हुए जो पिता थे वाज हैप्पी, वो क्या थे बच्चों, खुश थे वो, क्योंकि अपने बच्चों के साथ पिता हमेशा हमेशा क्या रहते हैं, खुश रहते हैं। बच्चे खुश रहे ना रहे लेकिन पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ खुश रहते हैं। चलिए तो ये आपका पहला रूल है बच्चों, ठीक है, दूसरे रूल पे आ जाते हैं तुरंत। दूसरा रूल इसका अपोजिट है बच्चों, इसका अपोजिट इसलिए क्योंकि यहां प्रीफर किसको करना आपको, नियरेस्ट सब्जेक्ट, यानी वर्ब के जो नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार आपको वर्ब लेनी है। ठीक है, वर्ब के जो नजदीक सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार। लेकिन ये ऐसा कब होगा बच्चों, जब आपका वाक्य जो है ईदर आर से जुड़ा होगा, आप इसे आइदर आर भी पढ़ सकते हैं,
नीधर नार से जुड़ा होगा, ये यहां पे मैं आर छोड़ दे बना दे रहा हूं मैं, ये है बच्चों। तो जब आपका जो वाक्य होगा नीधर नार से जुड़ा होगा, जब आपका वाक्य नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा होगा, और वेदर डॉट डॉट आर से जुड़ा होगा, यानी इधर डॉट डॉट आर या तो तुम या, ये सेंस होता है। नीदर डॉट डॉट नार, न तो तुम न ही, ये सेंस होता है। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल बल्कि, ये सेंस होता है। और वेदर डॉट डॉट आर का मतलब होता है चाहे या, ये सेंस होता है। और अगर आर भी है बच्चों तो भी आप पास वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार क्या लेंगे, वर्ब लेंगे। सबका मैंने एग्जाम्पल दिया है बच्चों, देख लें आप, इस सारे एग्जाम्पल देखें, समझें, दिक्कत हो कमेंट्स में या पूछें आप। देखें पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, इधर द मैन आर हिज फ्रेंड्स हैव। अभी बच्चों हैव किसके पास है, फ्रेंड्स के पास ना, और ये इधर डॉट डॉट आर से जुड़ा है ना, तो पास वाले के अनुसार चलेगा, यानी हिज फ्रेंड्स के अनुसार हमने क्या लिया, हैव। एग्जाम में हैज दे सकता है। नीदर द बॉय नार द मैन, नीदर डॉट डॉट नार से जुड़ा है तो किसके अनुसार चलना होगा हैव को, द मैन के अनुसार, तो द मैन के अनुसार हमने हैव ले लिया है। नॉट ओनली यू बट आल्सो योर फ्रेंड्स आर गोइंग, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ा है वाक्य आपका ना, तो फिर हमको किसके अनुसार आर लेनी होगी, योर फ्रेंड्स के अनुसार। योर फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हमने क्या ले लिया, आर ले लिया हुआ है। वेदर शी आर हर सिस्टर्स किससे जुड़ा है बच्चों, वेदर और आर से, तो किसके अनुसार चलना होगा हैव को, पास वाले यानी सिस्टर्स के अनुसार, तो हैव ले लिया। वन आर टू मेन आर से जुड़ा है ना, तो फिर किसके अनुसार चलेगा आर, पास वाले यानी टू मेन के अनुसार, तो क्या ले लिया, आर ले लिया। और एक और ले लिया मैंने, हैज मनीष आर हिज ब्रदर्स कॉल्ड, देखिए उल्टा है बच्चों, ये हैज किसके पास है बच्चों, मनीष के पास, और ये किससे जुड़े हैं, आर से जुड़े हैं ना, तो वर्ब अपने पास वाले के अनुसार चलेगे, तो ऐसा नहीं हिज ब्रदर्स बाद में है तो आप हैव ले लेंगे। ये हैज है इंट्रोगेटिव में किसके अनुसार, ये है आपके मनीष के अनुसार, तो फिर यहां मनीष अनुसार हैज होगा। और यहां एक करेक्शन और कर ले बच्चों, आप यहां पे फुल स्टॉप नहीं देंगे, आप क्या देंगे यहां पे, आप प्रश्न मार्क, ठीक ना। तो ये हैज किसके अनुसार हो गया, मनीष के अनुसार। यानी ये रूल आपसे कह रहा है कभी भी अगर इधर आर का प्रयोग हो, नीदर नार का प्रयोग हो, नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हो, वेदर आर का प्रयोग हो या आर का प्रयोग हो, तो आप हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब या प्रोनाउन लेने की कोशिश करें, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों पहला और दूसरा रूल, कहीं कोई दिक्कत है आप देखेगा, फिर से प्रॉब्लम हो रही नहीं समझ पा रहे मेरे से बताइएगा। तीसरे रूल पे आते हैं, ये आपके सामने मैंने तीसरा इंपॉर्टेंट रूल लिया, इसमें क्या है, ऑलवेज टेक प्लूरल नाउन, हमेशा इनके साथ प्लूरल नाउन लें एंड प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब लें विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी निम्नलिखित शब्दों के साथ, कौन से शब्द, ऑफ यू, कहीं भी ऑफ यू है उसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा तो वर्ब अपने आप प्लूरल हो जाएगी, फ्यू होगा तब भी यही होगा, मेनी होगा तब भी यही होगा, अ नंबर या अ नंबर ऑफ होगा तब भी यही होगा, अ वैरायटी ऑफ होगा तब भी यही होगा, अ मेजॉरिटी ऑफ होगा तब भी वही होगा, द मेजॉरिटी ऑफ होगा तब भी यही होगा, अ ग्रेट नंबर होगा तब भी यही होगा, बोथ ऑफ होगा तब भी प्लूरल, दीज होगा तब भी प्लूरल, दोज होगा तब भी प्लूरल, वेरियस ऑफ होगा तब भी प्लूरल, सेवरल ऑफ होगा तब भी प्लूरल, वेरी फ्यू होगा तब भी प्लूरल, वी के बाद यानी प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर ईच होगा तब भी प्लूरल, दे के बाद ईच है तब भी प्लूरल, प्लूरल काउंटेबल नाउन यानी कि प्लूरल नाउन हो इसके बाद ईच हो तब भी प्लूरल, अ ग्रेट मैनी हो तब भी प्लूरल, अ गुड मैनी हो तब भी प्लूरल, और अ माइनॉरिटी ऑफ हो तब भी प्लूरल। यानी इन सभी शब्दों के साथ आपको प्लूरल नाउन भी लेना है और प्लूरल वर्ब भी लेनी है। सारे शब्दों को बच्चों देख लें, कहीं से भी आपको लगे कोई शब्द आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप बोले वहां पे, देख लें सारे शब्द, अ फ्यू फ्यू मैनी अन मैनी अ गुड मैनी अ ग्रेट मैनी, ये सारे आपके प्लूरल होते हैं, अ नंबर ऑफ अ वैरायटी ऑफ, ये सारे प्लूरल होते हैं।
बोथ हमेशा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब लेता है। अगर सब्जेक्ट के बाद ईच का प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ वी है, दे है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, अगर इनके बाद ईच का प्रयोग किया गया है तो वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? ये सारे शब्द जो हैं, जैसे ही इन शब्दों को आप देखें, आपके मन में क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि इनके बाद क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं बच्चों। और मैंने सारे के एग्जाम्पल्स करीब करीब बनाए, मैंने मेहनत किया बच्चों, और मैंने किसी किताब से नहीं, खुद बनाया मैंने इनको, ताकि सारे मैं एग्जाम्पल्स आपको समझा सकूं, क्योंकि पढ़ने से याद होता है, याद होने से फायदा होता है, फायदा होने से जॉब मिलती है बच्चों। देखें, जैसे आपने अ फ्यू देखा तो देखे प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे फ्यू देखा तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे मैनी देखा तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे अ नंबर देखा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे ही अ ग्रेट नंबर देखा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे अ ह्यूज नंबर देखा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे ही अ बिग नंबर देखा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे ही आपने अ वैरायटी देखा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अभी और एग्जांपल्स हैं बच्चों, घबराइएगा नहीं बच्चों, ये आप ही के लिए है, मैं तो अपनी मेहनत बचा सकता था। चलिए और देखें बच्चों, जैसे आपने अ मेजॉरिटी देखा प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे आपने द मेजॉरिटी देखा तो भी प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे आपने सेवरल ऑफ देखा, वेरियस ऑफ देखा, दीस देखा, अ ग्रेट मैनी देखा, अ गुड मैनी देखा, सबके साथ देखे प्लूरल नाउन्स हैं, सबके साथ बच्चों, सबके साथ देखे प्लूरल नाउन्स हैं, प्रोनाउन्स हैं, और सबके साथ इनके जो वर्ब है वो भी क्या है बच्चों, प्लूरल ही है, सिंगुलर नहीं ले सकते हैं आप। क्लियर है बच्चों? और एग्जाम्पल से बच्चों देख लें, आप थकिएगा नहीं बच्चों। जैसे ही अ ग्रेट मैनी है तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, जैसे ही अ गुड मैनी हो गया, जैसे वेरी फ्यू है प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, वी के बाद देखे ईच है ना, वी के बाद ईच तो फिर प्लूरल वर्ब लिया। ध्यान रखें ये स्ट्रक्चर, आगे हम और मिलेंगे इसमें। प्लूरल नाउन के बाद देखे ईच है तो हैव ले लिया हमने, प्रोनाउन के बाद था। द मेन के बाद प्लूरल के बाद ईच है तो हमने प्लूरल ले लिया, वांट ले लिया। माई मदर एंड आई वांट टू रीड, यहां मैंने एक शब्द जोड़ दूं मैं आपको पहले, माई मदर एंड आई, और यहां मैं लिख दूं बच्चों ईच। तो देखिए दो नाउन्स मिलकर के एंड से प्लूरल हो गए, जैसे प्लूरल हुए तो आपने क्या ले लिया बच्चों, ईच ले लिया, और यहां प्लूरल वर्ब लिया आपने। जैसे यू के बाद ईच लिया तो प्लूरल वर्ब लिया। खुश बच्चों? ये सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, रोज देखेंगे, कैसे नहीं आएगा, रगड़ दीजिए बिल्कुल अपने आप को कि हमको हर हाल में क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, और ये मैं सब चीजों को देने की कोशिश किया हूं कि आपको कहीं और जाने की कोशिश न करनी पड़े, वर्ड्स के लिए भी न जानी पड़े, यानी रोज के लिए भी न जाना पड़े, और एग्जाम्पल्स के लिए। इतनी एग्जाम्पल्स कहां पाएंगे आप एक एक रोज बच्चों, कोई किताब देखेगा जहां इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हों, मुझे बताइएगा, मैं भी पाऊंगा, मैं भी पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपको ऐसी किताब मिलेगी नहीं बच्चों जहां इतने एग्जाम्पल्स आपको सारे दिए गए हों। चलिए और आगे देखते हैं। अब यहां एक स्पेशल पॉइंट मैंने दिया आपको, वो स्पेशल देने की मजबूरी थी क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ये दिया गया था, क्या कि मेनी के बाद तो आपको प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेना होता है, लेकिन अगर मेनी ए दिया गया है बच्चों तो आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेनी होती, याद है ना आपको, मेनी के साथ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, लेकिन मेनी ए के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये इडियमेटिकली इसे यूज किया गया है और ये आर्टिकल की वजह से ऐसा किया जाता है, क्योंकि ए के बाद आपको सिंगुलर लेना है, प्लूरल नहीं लेना है। ठीक है, चलिए बच्चों रूल नंबर चार पे हम लोग आ गए हैं, ये आपके साथ रूल नंबर चार, कह रहे ऑलवेज टेक सिंगुलर नाउन, हमेशा सिंगुलर नाउन लें एंड सिंगुलर वर्ब लें, सिंगुलर वर्ब लें विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, किन शब्दों के साथ, कभी भी अ लिटिल हो मच हो बच्चों, अ क्वांटिटी हो, एन अमाउंट हो, अ ग्रेट डील ऑफ हो, अ ग्रेट क्वांटिटी हो, इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी, किनके साथ बच्चों, अ लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, मच ऑफ, अ क्वांटिटी ऑफ,
द अमाउंट ऑफ अ ग्रेट डील ऑफ, आप चाहें तो इसमें द लिटिल आप भी जोड़ सकते हैं। इन सब के साथ हमेशा क्या आएगा बच्चों, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। सारे एग्जांपल्स देखिए मैंने आपको दिए हैं, देखें यहां पे, देखें आप करें अ लिटिल, तो यहां सुगर सिंगुलर इज बी सिंगुलर, लिटिल तो फिर वाटर सिंगुलर और इज बी सिंगुलर, मच तो आयल सिंगुलर हैज बी सिंगुलर, अ क्वांटिटी तो मिल्क सिंगुलर इज बी सिंगुलर, एन अमाउंट तो फिर टाइम सिंगुलर और हैज सिंगुलर, अ ग्रेट डील तो विट सिंगुलर और हैज बी सिंगुलर। यानी सारे शब्द जो हैं आपके, चाहे क्वांटिटी हो, अमाउंट हो, लिटिल हो, मच हो, ये हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़े, आप रिपीट करते रहेगा, देखते रहेगा बच्चों कि कैसे इनको हमें तैयार करना। और आज के लास्ट रूल पे हम हैं, पांचवें रूल पे आज। ठीक है, देखें, जब भी आपको ये शब्द जो दिए गए हो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, द रेस्ट ऑफ, एनफ ऑफ और टू थर्ड्स ऑफ, तो इनके साथ दोनों ले सकते हैं बच्चों। आपको यह समझना है कि इनके साथ अगर आपने अनकाउंटेबल नाउन लिया तो आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और अगर इनके साथ आपने काउंटेबल नाउन लिया तो वर्ब आपकी प्लूरल हो जाएगी। फिर से, अगर अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, थ्री फोर्थ्स ऑफ, द रेस्ट ऑफ, एनफ ऑफ, टू थर्ड्स ऑफ, अगर इनके साथ सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर, और अगर इनके साथ प्लूरल नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या हो जाएगी, प्लूरल नाउन हो जाएगी। और सारे सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, आप थक जाएंगे लेकिन मैं बनाते हुए नहीं थका बच्चों। देखें, सारे एग्जांपल्स अच्छे से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सब आपके। अ लॉट ऑफ के साथ बच्चों मैंने काउंटेबल प्लूरल लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, लॉट्स के साथ मैंने मेन प्लूरल लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, मोस्ट के साथ मैंने नाउन प्लूरल लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, सम ऑफ के साथ मैंने नाउन प्लूरल लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, हाफ ऑफ के साथ मैंने नाउन प्लूरल लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, अ क्वार्टर ऑफ के साथ हमने हाउसेज लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, टू थर्ड्स के साथ हमने काउंटेबल एप्पल्स लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, थ्री फोर्थ्स के साथ आपने गर्ल्स को लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई। थ्री फोर्थ्स में समझ रहे ना, तीन चौथाई। और देखिए बच्चे, बहुत एग्जांपल्स से मैंने दिया आपको समझाने के लिए। यहां पे है, प्लेंटी ऑफ के बाद हमने इंजीनियर्स प्लूरल लिया तो वर्ब प्लूरल हो गई, और लॉट ऑफ के बाद वाटर हमने सिंगुलर लिया तो वर्ब सिंगुलर हो गई, लॉट्स ऑफ के बाद मनी हमने सिंगुलर लिया तो है सिंगुलर हो गया, मोस्ट ऑफ के बाद हमने द लिक्विड सिंगुलर लिया तो वर्ब सिंगुलर हो गई, हाफ ऑफ के बाद हमने द सुगर सिंगुलर लिया तो इज सिंगुलर हो गया बच्चों। और भी एग्जांपल्स हैं, देख लें आप ये सारे एग्जांपल्स। हाफ ऑफ के बाद हमने सुगर सिंगुलर लिया तो इज सिंगुलर हो गई, और क्वार्टर ऑफ के बाद हमने टी सिंगुलर लिया तो फिर है सिंगुलर, मीन्स अनकाउंटेबल लिया, टू थर्ड्स के बाद हमने दिस बुक सिंगुलर लिया तो फिर है सिंगुलर हो गया, थ्री फोर्थ्स के साथ हमने टारगेट लिया तो फिर सिंगुलर हो गया, और सम ऑफ के साथ हमने राइस लिया तो फिर वर्ब सिंगुलर हो गया। ठीक है बच्चों, ये पांच रूल्स आज मैंने आपको दिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स में से एक है। आप इन्हें अच्छे से देखें, आप इन्हें देखते जाएं, सारे एग्जांपल्स पढ़ें, सारे एग्जांपल्स पढ़ें बच्चों, ठीक है, यहां से या पीडीएफ से जैसे पढ़ना चाहते हो सारे एग्जांपल्स पढ़ें। मेरे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम को अगर आपको सर्च करना है सुपर 60 संतोष सर, SIR संतोष सर से आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम मिल जाएगा, उसमें आपको सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, और वहां क्विज मेरा जो वर्ड पावर पे चल रहा है वो जरूर ज्वाइन करें आप। ठीक है, ये सारे रूल्स तैयार करिएगा पांच, जो बहुत मैंने बढ़िया से मेहनत करके बनाए हैं, इसके पहले मैंने इस तरह कभी नहीं पढ़ाया था। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मेरी विशेष प्रस्तुति है, कल इसी समय मैं आपके साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, और तब इस उपस्थिति के साथ मैं इसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।